वेलकम बैक. एंड फॉर इंडिविजुअल्स, मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज 2, 1, 5, 6, 10 और ये 8. पहला स्टेप क्या है? और ये सपोज मेरे पास आ रहा है 4. पहला स्टेप बताइए क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे. इसको अरेंज करें, तो ये अरेंज कर दे 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. ठीक है जी. अच्छा जी, दूसरे स्टेप में क्या करना है सर? दूसरे स्टेप में ये देखना है कि इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है. हाँ, तो ये नहीं, डिस्क्रीट डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस है, तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज है ना जी. इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस है, तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज है. ठीक है जी. अच्छा, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो फिर क्या देखना है? इंडिविजुअल सीरीज आड है कि इवन है? आड है, कि ये आड है या इवन है? थर्ड स्टेप में. हाँ जी, ये ऑड है एन या इवन? इवन है सर. इवन है. एक यस सर, दो इवन तीन है सर. चार पांच छह सात, ये तो ऑड है. सर इसमें सिर्फ 5 वाला जो है ना ऑड है, बाकी तो इवन नहीं है. नहीं नहीं ऐसा नहीं, 5 वाला वेन यू आपके से पास कि ये रेड है यार. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप टोटल करेंगे ना उसको देखेंगे. ये 7 है ना, इसको देखेंगे कि ये ऑड सही. या इवन है. अगर ये सपोज 6 बन जाते हैं तो फिर ये इवन है, यानी एन कितना है, एन जो है वो ऑड है या. एक्सक्यूज मी सर, जी 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 बोलिए. सर स्टूडेंट को ऐड कर दे जरा. बात समझ में आ गई? इनको गिन के, गिनने के बाद जो एन आपके पास आता है ना उसको आपने लेबल करना है कि वो इवन या ओड है. इंडिविजुअल वैल्यूज को नहीं, हमारा इससे गरज नहीं ओके सर. है. बहुत सारे इवन और ओड है, उसको उससे हमारा कोई गरज नहीं है. अंदर जो भी है, लेकिन टोटल करने के बाद, गिनने के बाद जब एन आपके पास आ जाता है तो वो क्या है, वो इवन है या ओड है. तो यहां पर ये क्या है? ओड है. 7 7 तो ओड है ना. ऑड है सर. अच्छा, तो मीडियन के लिए फिर ये फार्मूला हम यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा सेट में. एन प्लस 1 अपॉन 2, एन प्लस 1 अपॉन 2. तो एन कितना है? 7 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना बना? 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आया फोर्थ वैल्यू. ये फोर्थ जो है ये मीडियन नहीं है आपका, ये वाला मीडियन नहीं है. 4 फोर्थ वैल्यू इन द डे, यहां से जो भी आएगा वो आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करके दे देता है कि फ्ला वैल्यू आपका मीडियन है. तो फोर्थ वैल्यू कौन सा है? 1, 2, 3 एंड 4. आपका 5 जो है ये मीडियन है. मीडियन का सिंबल ये है, ये और इस पे ये करके सीधा बार नहीं लगाना, ये वाला. तो ये आपका 5. बात समझ में आ गई? समझ गए जी जी? सर. अच्छा, अब मैं आपको डेटा दे देता हूँ, आपने फिर करना है. ठीक है, ये वाला आप समझ लें तो, आपने अगर समझ लिया तो मैं डेटा आपको दे देता हूँ, फिर आप इसी पे एक कर ले, या फिर हम इवन वाला कर देते हैं तो फिर मैं आपको डेटा दे के 2 वाला आप फिर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, अब इवन वाला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा है 2, 5, 3 6, 1 और ये 15, 20 और यहां पर मेरे पास आया है 25. ये कौन सा सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है ना.
यस सर, ये इंडिविजुअल है, एक एक ही आ रहा है। और फिर ये आप अरेंज कर दे पहले, बाद में देखेंगे ये इवन है या ओड है, इसको बाद में देखेंगे। तो ये हैं एक, वन, दो, तीन, थ्री, टू, थ्री, फाइव, फाइव, सिक्स, हाँ, फिफ्टीन, फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव, ठीक है जी, 25. अब आप किसको देखें कि ये इवन है या ओड है, गिन ले। सर ये इवन है, ये इवन एट है, अच्छा ये एट है। अब आप ऐसा करें कि बीच के जो दो वैल्यू एग्जैक्टली मिडल टू वैल्यू, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, बीच के दो वैल्यू कौन से रहते हैं, ये इसका एवरेज आप ले लें, 5 + 6 / 2, वो आपका मीडियन होगा। दिस इज इक्वल टू 5.5। सर समझ नहीं आई सर, दोबारा बताएं। दोबारा में सबसे पहले आपने डेटा अरेंज किया, फिर आपको पता चला कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, फिर ये भी पता चला कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर है, यहां तक तो पता चला ना। यस सर। अच्छा, अरेंजमेंट के बाद जो बिल्कुल मिड में दो वैल्यूज हैं उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, यानी ऊपर भी तीन है नीचे भी तीन है, कभी ऊपर चार है नीचे भी चार है, और बीच में दो वैल्यूज आ रहे हैं उसको आपने पिक करने हैं। यहाँ पर कौन से बीच के दो वैल्यूज हैं, 5 और 6, क्योंकि ऊपर हैं और 3 इन दोनों के नीचे हैं, तो ये बिल्कुल मिड में पड़ रहे हैं, ऐसा है। Yes, दोनों वैल्यू को प्लस करके दो पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों को प्लस करके दो पे डिवाइड करने का मतलब ये कि इनका एवरेज निकालते हैं, इनका एवरेज दो वैल्यूज का निकाल के जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल मीडियन होगा, ये आपका 5.5 है। पिछले बार सर ये इवन के लिए ना, ये इवन के लिए, हाँ यस ठीक ठीक है जी। अच्छा आपके पास लैपटॉप है या आप मोबाइल से कनेक्टेड है? मोबाइल से सर। अच्छा सर हम, मैं मोबाइल से हूँ। जो लैपटॉप से कनेक्टेड है ना उसको, उनको चाहिए कि वो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कैलकुलेट करके और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप व्हाट्सएप पे भी मतलब शेयर कर सकते हैं, लिख के पिक्चर लेके मुझे जो है ना वो सेंड कर सकते हैं कि आप लोगों ने, किसी से जो है ना ये सीखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको सर जी, हेलो सर, हाँ सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ नहीं आती सर, मतलब वो कहाँ से आ जाती है? एडिंग अप से, वो तो पिछला वाला है ना, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी है, यस सर, 4, 6, 8 और 10 ये फ्रीक्वेंसी सपोज, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इनको एड अप कर दे, इसके आगे कुछ नहीं है 2, इसको इसके साथ कर दे 6, इसको इसके साथ कर दे 12, इसको इसके साथ कर दे 20 और इसको इसके साथ कर दे 30, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एडिंग अप का फ्रीक्वेंसी। यस सर, थैंक। हाँ चलें, ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने बल्कि क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 30, 10, 15, 8, 20 और एक यहाँ पर 2 आ रहा है, 2, 3, 30, 10, एक ये है और दूसरा क्वेश्चन है 4, 6, 8, 2, 10, 20, ये दोनों का मीडियन निकाले ऊपर और नीचे का, ठीक है, और जैसे हो जाता है आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं, जब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग जो है ना पॉज कर लेता हूँ, इसलिए कि फिर ये टाइम ले लेता है और कुछ मकसद नहीं होता।
सही है। तो ये वाला आपने सबसे पहले क्लास इंटरवल दो, ये सारे क्लासेस हैं, ये इसके फ्रीक्वेंसीज हैं, फिर इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मालूम करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आप सिग्मा एफ अपान टू कर दें, हाँ सिग्मा एफ अपान टू, इस वाले फार्मूला से आपके पास क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 13.5, यानी 13.5th वैल्यू इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा वाला है ये वाला? सर 14 14 आ रहा है। इसके सामने कौन सी क्लास है? 14 11 से 13 11 to 13। अच्छा अब 11 to 13 जो है, 11 to 13 ये आपका मीडियम नहीं है, 11 to 13 आपका मीडियम नहीं है, यहां पर ये मीडियन क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन क्लास। इसमें आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्री भी बनानी है। 11 को ये 10.5 बनेगा और ये बनेगा 13.5 अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज, और कंटिन्यूएशन पर्पस के लिए आपने ये बना दिया। चूंकि इसका फार्मूला में ये लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्रीज का जिक्र है, तो लिहाजा सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे इसी मीडियन क्लास की, और फिर फार्मूला ये है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपान एफ इनटू सिग्मा एफ अपान टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसका फार्मूला है। अब आप समझ लीजिए, ये जो एल है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, तो आपका क्या बना लोअर क्लास बाउंड्री? इस मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है? 10.5 इधर लगा दे 10.5 या हम साथ में लगा देते प्लस, इसका विड्थ कितना है 11, 12, 13, तीन विड्थ हैं। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। सिग्मा एफ कितना है? 27 डिवाइडेड बाय 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास जो मीडियन क्लास से पहले आ रही है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। यहां पर आप 9 लगा दें। अब आप इसको आगे कैलकुलेट कर दें, ये 10.5 प्लस 0.6, 3 को अगर इस पे, ये 13.5 माइनस 9 क्या बना? 10.5 प्लस 0.6, 13.5 से 9 माइनस कर दे तो कितना बनेगा? 4.5 ऐसा है सर, 4.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? 0.6 से मल्टीप्लाई करें सर 2.7। 2.7 इन दोनों को प्लस कर दे कितना बनता है? 13.2 ये ऑलमोस्ट 13 के करीब है। आई डोंट नो कहां पर गलती तो नहीं हुई, जिसमें 8 से 10 11 से 4 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ अपान फिफ्थ एक और क्वेश्चन भी 13 के करीब है ना, तो इस क्लास के मतलब उसमें आ रहा है, 14 से कम है और 13 के करीब है, तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब आपका मीडियन जो है उसी इसी क्लास के अंदर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ मैंने की नहीं है। ये 0.6 और ये 2.7 ठीक आ रहा है ना? जी सर ठीक आ रहा है। अच्छा।
सर हाँ जी पूछे सवाल पूछे सर, ये जो 13.2 है ये हमारा मीडियन है ना बस फाइनल। हाँ 13.2 आपका मीडियन। और सर सपोज अगर 13.5 से ज्यादा आ जाए तो इट मींस कि ये गलत है, ये गलत है। कैलकुलेशन गलत है, यहाँ की हाँ क्वेश्चन ही गलत बिल्कुल किया है, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, तो इसके मुझे अंदर ही आना चाहिए इसके अंदर आना चाहिए बस ये सिंपल सी। अब मुझे सही। नहीं पता कि पता नहीं मैंने कहीं पर गलती की है या क्या है, इसकी वजह से ये 2, 4, 3, 2 फिर 4 और 3 9, ये इसकी 5 है, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास 9 है, ये भी ठीक है। 13.5, 4.5 और ये 10.5, ये भी ठीक है। दूसरा कर लेते हैं, इसको एक और कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये क्लास इंटरवल है, लेट सपोज ये हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 1 से 5 और 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20,